हेलो भाई, मैं निखिल और आज मैं चल दिया हूँ एंटीनेटर लेकर खेत में, क्योंकि जो अपना चना वाला खेत है तो उसको अपन पूरा कंप्लीट करवा देंगे एक दो दिन चला के, क्योंकि लाइट भी फुल आ रही है। बट अपना मतलब टोटल खेत में मोटर चल रही है और इसमें तो ये तालाब का यहाँ पर तालाब बना लिया, उसको भर कर रखते हैं, बस दिन दिन में पानी देते हैं रात में मोटर से और वापस भर लेते हैं उसको। बाकी अल्टीनेटर रख लिया मैंने, भुटके रख, उसमें भुटके लगाना पड़ता है नीचे, क्योंकि अपना ट्रैक्टर ऊंचा हो जाता है तो अल्टीनेटर के नीचे भुटका जमा देते हैं। और बाकी अल्टीनेटर ऐसा है कि ट्रैक्टर अपना खोल के साइड लगाना पड़ेगा और फिर जुड़ता है अपना ट्रैक्टर। मतलब ये साफ्ट है, थोड़ी सी इधर है इसमें जगह, बाकी और मैं वहीं पे खेत में कंप्लीट मतलब ये सिस्टम सब जमा के, क्योंकि अभी अल्टीनेटर जमा नहीं है, कटआउट भी यहीं पर रखे हैं, तो ये सब सिस्टम जमेगा अपना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे की कि मतलब अल्टीनेटर अपना कैसा जमता है, और इसका जो ठिया है वो सबसे बढ़िया है, और ये 40 HP का है और अपना ट्रैक्टर 55 HP का है, तो आराम से चला देगा। और अपन को ज़्यादा नहीं दो मोटर चलाना है, तीन चलाएंगे तो वैसे ही ट्रैक्टर भी गर्म होता है फिर और डीजल भी ज़्यादा लेता है। अभी चलते हैं खेत में, पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है उसके बाद दिखाता हूँ मैं। तो भाई पहुँच गया मैं खेत में और अल्टीनेटर भी रख दिया अपन ने, अभी रखा नहीं है मतलब ऐसे ही रख दिया कि सामान उतारना अपन को सिर्फ, और ये गुटका ये यहाँ ये सब ठीक है के नीचे लगती है क्योंकि अपना ट्रैक्टर ऊँचा हो जाता है यहाँ से। और बाकी ये सिस्टम भी मतलब ये वाला इधर है और ये हल्का सा दूर है, तो अपना ट्रैक्टर यहाँ से अल्टरनेटर जम के फिर खुलेगा और ट्रैक्टर इधर इस साइड आके और फिर लगेगा। बाकी गुटके और अल्टरनेटर रखने का यहाँ मन है क्योंकि उधर अपनी रास्ता है तो इधर रखेंगे इसको, फिर इधर एक भी है कि शाम के टाइम इधर से धूप आती है तो घाम में रहेगा, इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। बाकी पानी तो चल ही रहा है और अपने ये साइड में जो मोटर है टापरी के ये वाली, ये मोटर का पाइपलाइन दबी है इसकी पूरी, वो वहाँ पर निकली है, यहाँ पर ये चल रहा है दोनों, वो नीचे वाला ट्यूबवेल भी और ये भी। बाकी अभी जमाते हैं और फिर जमा के पूरा सीन देखते हैं, और चालू तो अभी नहीं करना, अभी तो लाइट है, फिर चालू होगा। हाँ तो भाई बज गए हैं अभी दोपहर के 2 और ये अपना प्लाऊ डीजल इस पर, तो अभी बीच में मैं इसको लेकर बखरने चला गया था और वो थोड़ा सा काला खेत था तो उसको बखर के आ गया, क्योंकि उसमें अभी मूंग बोगे, वो मूंग वाली सीडल अपनी ये खड़ी है, डीचर भी वहीं पर रखा और रोटावेटर वहीं पर, क्योंकि खले में जगह नहीं है, जरा सी भी गेहूँ के ढेर लगे वो दिख रहे हैं यहाँ से, मेरी ट्राली को भी इधर ही फंसा कर रखा है और एक ट्राली वो खड़ी अपनी हरी वाली बड़ी वाली ट्राली अपनी, और उसमें भरे गेहूँ मंडी जो अपना सबसे शुरू में गेहूँ कटे थे वो लगभग 24-25 बोरा है इसमें बस, बाकी 24-25 बोरा इतनी बड़ी ट्राली में भर दिया। उसका रीज़न यही है कि वो ट्राली अपनी मतलब मूँग बोना और कहीं में भी मतलब खाली रहे वो ट्राली, वो छोटी है ना तो वो कहीं भी चल जाती है जराक में। और बाकी ये इतनी जगह भी साफ़ कर दी अभी, और इसमें गेहूं दिखाता हूँ कितने का है, आधा आधा डाला गेहूं है इसमें बस, इसको अपन कल संडे है, कल शाम को ले आऊँगा, कल शाम को लेके चलते हैं इसको, परसों मंडे है तो परसों के दिन खुली रहेगी, कल तो संडे है तो कल शाम को अपन निकल जाएंगे मंडी। और अभी जंडियर तो खेत में ही है, अल्टीनेटर पे लगा है, और अभी 2 बजे तक लाइट जाए, लौट 2 तो बजी गई है बस, आधा घंटा अभी थोड़ा रुक जाते हैं, ठंडा हो जाए हल्का सा आधा एक घंटा, फिर एक बार शिवपुर जाके डीजल बुलवाता हूँ और फिर अपन चालू करते हैं अल्टीनेटर। बाकी इसको चलाया मैंने अभी तो
कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक पिन फिका गई है यहाँ की, ये एक पिन गिर गई। अच्छा वो खिला नहीं गिरा, नहीं तो और वही खिला मैंने 3 बार ला के बदल दिया है। और वो यहाँ नहीं मिलता, वो सीधे शोरूम पे मिलता है। ये नया अभी दिख रहा है ना ये, और ये तो पुराने, मतलब अभी ट्रैक्टर पेंट कराया था उसके बाद के हैं ये सब, और नया फिर डालना पड़ेगा। उसकी पिन खिला अच्छा नहीं गिरा, नहीं तो वापस लेने जाना पड़ता। बाकी ये ट्रैक्टर तो पेंट कराया था बनने 2 साल, मतलब इस बारिश में 2 साल हो जाएंगे। बाकी टायर भी रिमोट करवाए थे इसके, और ये ट्राली के टायर भी अब उतरने पे आ गए हैं, तो उसको भी अपन चेंज करा देंगे। और मूंग कटने के बाद प्लव का यूज़ करेंगे फुल अपन। तो भाई पिन तो मेरे को मिल गई है, ये अपना पूरा सिस्टम रखा आयल ग्रेस का, टोटल एक पिन मिल गई है। अब इसको डाल लेता हूँ उसमें, लगे हाथ काम हो जाएगा। हथौड़ी निकाल लेता हूँ, और ये रोटावेटर की धूल। टाइट है ये तो। कर दिया भाई ट्रैक्टर स्टार्ट, और टाइम हो गया है 4:15। और ट्रैक्टर तो बहुत देर का स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन डीजल ये अब भी लेके आया है, तो डीजल भी चलते में डाल दे रहा है। अब कौन बंद करेगा, चलते में डीजल डाल दे रहा है। बाकी ट्रैक्टर पे भी कोई ज़्यादा जोर नहीं है, और जॉन डियर में तो वैसे मतलब चाबी निकाल लो भले ही और चलता रहेगा, तो इससे बंद होएगा, तो हमने सीधे ही डाल दिया। और यहाँ भी पकड़, कंपन में गिर जाए वो। बाकी अभी दवाई खींचना है हल्की सी, तो बंद कर सकते हैं अभी, कर देंगे वो, फिर एक झटका और चालू कर देंगे 9-10 बजे रात तक, और आज ही चलाएंगे भाई। बाकी कल तो फिर सुबह से वापस लाइट आ जाएगी, तो उसमें हो ही जाएगा। ये 2 मोटर का पानी चल रहा है इसमें, और बाकी मोटर के वहाँ पर भी चल देंगे अभी, वो भी दिखा दूंगा। बाकी ट्रैक्टर का ज़्यादा साउंड भी नहीं आ रहा है, निवारण चलाते थे वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था। बाकी अभी तो इसका बोनेट भी लगा है, तो कम आवाज़ आ रही है, और गर्म भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा खास। बाकी बैटरी में भी कम पानी लग रहा था, वो भी ला के डाल दूंगा मैं। और अंदर भी हमने कटआउट वाला सिस्टम तो नहीं लगाया है, डायरेक्ट उसी में कर दिया वहीं से मोटर भी, और वहीं से पूरा सिस्टम चालू कर दिया है, क्योंकि एक दिन तो चलाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लंबा चलाना रहता तो कटआउट लगा दो, फिर भी कटआउट अच्छी रहता है। बाकी अभी चलाते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ टूटा फूटी, वैसे अगर टूटा फूटी अल्टरनेटर में बहुत कम होती है भाई। ये क्रास एक बार निवालेंट पे चला रहे थे यही जगह पे यहाँ सामने, तो जब टूट गई थी, बाकी तो टूटना फूटना तो नहीं रहता है भाई। कर दिया ट्रैक्टर बंद, क्योंकि दवाई छींचने लगे थे,
तो 5:30 भी बज गया, मतलब 3 घंटे के समथिंग चलाया बस आज, और बाकी रहेगा बचा तो फिर कल और चला देंगे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह 6 बजे से लाइट आ जाएगी 2 बजे तक, तो उसमें बहुत तेज निकल जाएगा। और मैंने डीजल वीजल का कुप्पा ऐसा कुछ बांध लिया यहाँ, और बाकी सब सामान रख लिया, अब चलते हैं घर सीधे। भाई निकल लिया हूँ मैं घर, और उधर वो निवालन चल रहा है, कैमरा में दिखाएगा नहीं, उसमें वो नहीं चल रही है, और मैं निकल लिया हूँ अभी घर से। बाकी अगर लगेगा तो अपन कल चला देंगे, अभी चलते हैं सीधा घर, फिर वहाँ का सीन देखते हैं और कुछ काम होगा तो। तो भाई अभी मैं चल रहा हूँ ये वाली टंकी देने खेत में, जिसमें अपना मतलब पहले जो चना निकला था उसमें, तो अभी मैं ये टंकी दे के आता हूँ सीधे। और जॉन डियर इसलिए नहीं लाया, उसमें हिच भी लगा नहीं था, और ये जुड़ाई का इसलिए मैंने ये लिया। हेलो, डबल से लगा लो भाई। आ गए खेत में, ये वो खेत है जो अपना मतलब गेहूँ कटिंग हुई थी जब मैं न्यूहलैंड चला रहा था, वो वाली है, वो खेत है मतलब ये वाला, और इसके साइड में ये चना वाला जो पहले अपना निकला था वो। बाकी टंकी भी आ गई अपनी, वो टंकी को वहाँ रखना है लीम पास, सीधे वहीं पे वो फाल है ना, वहाँ पर रखने का है, तो सीधे रखते हैं वहीं पर। एक तो मेयर उन चढ़ाना पड़ता है, रख दी भाई टंकी इधर ही, और ले फोटो ले लूँ थंबनेल को। और ये खेत में यहाँ लगे डीपी 25 की, और इसमें 4 ट्यूबवेल। मोटर कितना की है? जा वाली और जा और बार रोटरी वालम, और रोको उधर रोटरी वालम 5 की है कि 6-4 की है? बाकी आज तो इसके बाद अब कुछ काम नहीं है, तो चलते हैं घर सीधे। चल घेर, तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।